नमस्कार, मैं टीकम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सतपाल राय का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। आज सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। बंदूक के जाली लाइसेंस बनाने के आरोप में एक और युवक गिरफ्तार। दिलीप घोष ने कहा तृणमूल के इशारे पर काम कर रही है राज्य पुलिस। महानगर में 15 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, 2-3 दिनों में और बढ़ेगी ठिठुरन। गोरखा रेजिमेंट में भर्ती के मुद्दे पर तृणमूल सांसद शांतर छेत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। बांसतोरणी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 583 नए मामले आए, वहीं 6 लोगों ने गवाई जान। अंतिम दौर में तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगे सितारे। आज से 30 घंटों के वाराणसी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। खिड़किया घाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी की जनता को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दी सौगात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैंप के एक सैनिक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। पत्नी के साथ आज पटना पहुंचेंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कर सकते हैं महावीर मंदिर की दर्शन। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 7,350 नए मामले सामने आए, वहीं 202 मरीजों की गई जान। हरनाज कौर संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला यह खिताब। राज्यसभा सांसद संजय राउत पर मुकदमा दर्ज, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले विंटर वैकेशन के बाद होगा स्कूल खोलने पर फैसला। सोनिया गांधी ने लोकसभा में सीबीएसई के सिलेबस में आपत्तिजनक कंटेंट पर उठाया सवाल। अमेरिका के तूफान में मोमबत्ती फैक्ट्री के 8 लोग लापता, वहीं 8 लोगों की गई जान। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा हुए कोरोना पॉजिटिव। WHO का खुलासा, डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रमक है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें।